ग्यारह वचना दे सारे वचन निभाए ने उजड़े वसाए तू ते डूब दे तराए ने ग्यारह वचना दे सारे वचन निभाए ने उजड़े वसाए तू ते डूब दे तराए ने गुण गाए कुल संसार सचदानंद साई गुण गाए कुल संसार सचदानंद साई श्री सतगुरु सिरजनहार सचदानंद साई श्री सतगुरु सिरजनहार सचदानंद साई रब दा सच्चा अवतार सचदानंद साई रब दा सच्चा अवतार सचदानंद साई श्री सतगुरु सिरजनहार सचदानंद साई श्री सतगुरु सिरजनहार सचदानंद साई सचदानंद साई सचदानंद साई। ओम साई राम। साई बाबा सबकी रक्षा करना। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23। नारदी कीर्तन पद्धति चोलकर की चाय दो छिपकली बहनों का मिलाप। नारदी कीर्तन पद्धति। यह कीर्तन पद्धति देवर्षि नारद के समय से प्रचलित हुई, या दूसरों शब्दों में इस कीर्तन पद्धति का श्रेय नारद मुनि को जाता है। वे कमर से सिर तक कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। एक हाथ में वीणा लेकर वे भगवान हरि का गुणगान करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे। लेकिन गांवों में प्राय हरि भक्त कीर्तन के समय लंबा अंग रखा पूरी पोशाक पहनते थे। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते थे और एक लंबा कोट व भीतर कमीज, कंधे पर गमछा व लंबी धोती पहनते थे। एक बार दासगणों भी कीर्तन के लिए पूरी पोशाक पहनकर सज धज कर बाबा को प्रणाम करने मस्जिद पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखकर कहा कि अच्छा अधूले राजा बन ठन कर कहाँ जा रहे हो। तब दासगणों ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि फिर कोट गमछा फेंटा क्यों पहन रखा है, क्या आवश्यकता है इनकी, चलो अभी उतारो इनको मेरे सामने। इसके बाद दासगणों ने कीर्तन के समय तन पर कभी वस्त्र धारण नहीं किए। वे सदैव कमर से ऊपर का भाग बिनी वस्त्र रखकर हाथ में करताल व गले में हार पहनकर कीर्तन किया करते थे। हरिदासों से विपरीत ये कीर्तन पद्धति पावन है। चोलकर की चाय। अब तक श्री साई बाबा का यश पूना व अहमदनगर में पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन नाना साहेब चंदोरकर के व्यक्तिगत वार्ता व्यवहार व दासगणों के मधुर संकीर्तन के कारण बाबा का यश मुंबई के कोकड़ तक भी व्याप्त हो चुका था। उन्होंने अपने कीर्तन द्वारा बाबा के प्रति लोगों में निष्ठा का जागरण कर दिया था। लोगों को उनका कीर्तन बड़ा भाता था। उनके कीर्तन का लोगों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता था। एक बार दासगणु ठाणे के कोपिनेश्वर मंदिर में कीर्तन के दौरान श्री साई बाबा का यशोगान कर रहे थे। श्रोताओं में चोलकर नामक एक सज्जन भी मौजूद थे। वे ठाणे के दीवानी न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी थे। उनकी दयनीय स्थिति थी। दासगणु का कीर्तन सुनकर वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन श्री साई बाबा को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि बाबा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। आपकी कृपा प्रसाद से यदि मैं विभागीय परीक्षा में सफल रहा तो आपके चरण कमलों में उपस्थित होकर मिश्री का प्रसाद वितरित करूंगा। भाग्यवश चोलकर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और वे स्थायी कर्मचारी हो गए। अब उन्हें अपना संकल्प पूरा करना था, लेकिन एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ बड़ा परिवार, ऐसे में शिरडी जाने के लिए पैसा जुटाने उनके लिए टेढ़ा कार्य था। ठाणे में एक कहावत प्रचलित है कि नाणे घाट व साहित्री पर्वत की श्रेणियां कोई भी सहज ही पार कर सकता है, लेकिन गरीबी के लिए उम्बर घाट अर्थात गृहस्थ का झमेला पार करना बड़ा मुश्किल होता है। चोलकर की इच्छा थी कि जितनी जल्दी ही हो सके संकल्प को पूरा कर लिया जाए, इसीलिए वे मितवई बनकर पैसा जोड़ने की जुगत बिठाने लगे। उन्होंने चाय भी फीकी पीनी शुरू कर दी, अन्य खर्चे भी कम कर दिए। इस तरह पैसा जुटाकर एक दिन वे शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंचकर उन्होंने बाबा के शिर चरणों में नारियल भेंट किया और मिश्री का प्रसाद वितरित किया। फिर बाबा से बोले कि बाबा, आपके दर्शन से मेरा मन प्रसन्न हो गया, आपकी कृपा दृष्टि से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मस्जिद में उस समय बापू साहेब जोग भी मौजूद थे, उन्होंने उनका आतिथ्य किया था। जब वे दोनों मस्जिद से जाने लगे तो बाबा ने बापू साहेब से कहा कि अपने अतिथि को चाय में खूब शक्कर मिलाकर देना,
चोलकर ने बाबा के मुख से ऐसा सुना तो उनका हृदय भर आया और नेत्रों में अश्रु बहने लगे। वे भाव विभोर होकर बाबा के श्री चरणों में गिर गए। उधर बापू साहेब भी आश्चर्यचकित थे कि बाबा के ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। बाबा ने जो बापू साहेब को कहा था कि अतिथि की चाय में प्याले में शक्कर अच्छी तरह मिला कर देना, इसका संकेत यही था कि उन्हें चोलकर द्वारा शक्कर छोड़ने के गुप्त निर्णय का ज्ञान था। दो छिपकली बहनों का मिलाप। एक बार की बात है, श्री साईं बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे। उसी समय एक छिपकली चिक चिक का स्वर निकालने लगी। उस समय वहाँ बैठे एक भक्त ने कुतूहलवश बाबा से एक प्रश्न किया कि बाबा, यह छिपकली क्यों चिकचिका रही है? इसका क्या मतलब है? इसका इस तरह चिकचिकाना शुभ है अथवा अशुभ? बाबा बोले कि इसकी बहन औरंगाबाद से आ रही है, जिससे इसको बड़ी प्रसन्नता है। वह भक्त बाबा के कथन का रहस्य नहीं समझ सका, फिर भी वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया। वह बाबा के दर्शन करके आगे जाने का इच्छुक था, लेकिन घोड़ा भूखा होने के कारण टस से मस नहीं हुआ। आखिर उस व्यक्ति ने घोड़े के लिए चने लाने को एक झोला सा निकाला और धूल झाड़ने के उद्देश्य से जमीन पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली। वह छिपकली निकलते ही तेजी से सबके देखते ही देखते इस मस्जिद की दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने उनसे प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। भक्त ने देखा कि वह छिपकली तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचकर उससे लिपट गई। दोनों बहनें परस्पर आलिंगन चुंबन करने लगी और दीवार पर इधर उधर घूमती हुई नाचने लगी। यह घटना श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता की सूचक है, वरना कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। श्री साईं बाबा के ऐसे लीला चरित्रों को पढ़ने मनन करने से कष्टों का निश्चय ही निवारण होता है। इस अध्याय में वर्णित चोलकर की कथा से ज्ञात होता है कि प्रेम व भक्ति से अर्पित तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी बाबा को स्वीकार्य थी। वे कामधेनु के समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। अब हम कल अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। ओम साई राम।